आज का लास्ट टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? अरेंजिंग द एलिमेंट्स आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, या बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अगर अपने ऑर्डर पे एलिमेंट्स को लगाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, जैसे बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, बर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है। आपके कोर्स में सिर्फ दो ही है, बबल सॉर्ट है और इंसर्शन सॉर्ट है। सबसे पहले बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट बहुत सिंपल होता है, रिपीटेडली स्वैप करता रहता है एडजेसेंट एलिमेंट को। देखिए एग्जाम्पल दिया हमने फर्स्ट पास में, एक एग्जाम्पल लिया आई इज इक्वल टू, अगर जीरो चलता है तो आई इज इक्वल टू जीरो में ये वैल्यू दी है 51428। तो पहले 5 और 1 का कंपैरिजन होगा, एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करता है, 5 और 1 का कंपैरिजन होगा तो वो चेंज हो जाएगा, तो 15428। अब 5 की कंपैरिजन किससे होगी? 4 से होगी, तो फिर 5 बड़ा है तो फिर 4 से स्वैप हो जाएगा। फिर 5 की कंपैरिजन 2 के साथ होगी, तो 5 और 2, 5 फिर बड़ा है तो 2 के साथ स्वैप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 और 8, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 5 अभी भी छोटा है 8 से, तो एज इट इज़ सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पास में, अब सेकंड पास में 5 चला गया है, अब नेक्स्ट उसकी वैल्यू है सेकंड पास में 4, 1 और 4 का कंपैरिजन होता है, कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आता है 4 और 2 का कंपैरिजन होता है, चेंज होगा क्योंकि 4 बड़ा है 2 से, तो 2 लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, 4 राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट है 4 और 5 है, तो 4 और 5 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 4 छोटा है 5 से और 8 5 बड़ा है। नेक्स्ट है 5 और 8, कोई चेंज नहीं होगा और सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड पास। थर्ड पास देखो, ये थर्ड पास इस एग्जाम्पल के लिए आखिरी पास होता है। क्यों? हमेशा सॉर्टिंग में लास्ट पास जो होता है वो एम्प्टी पास कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि कोई भी स्वैपिंग नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं बता सकते। देखो क्योंकि ये मेमोरी में हो रहा, ये हम नहीं बता सकते कि अंदर कौन सी वैल्यू सॉर्टेड हुई है नहीं हुई है। तो कंप्यूटर जो होता है, जो इंटरप्रेटर होता है हमारा, वो लास्ट पास इसीलिए चलाता है क्योंकि कोई होल पास चले, पूरा प्रोग्राम रन हो और कोई भी स्वैपिंग ना हो, तब उसे क्या कहते हैं? सॉर्टेड एलिमेंट्स कहते हैं। एक एल्गोरिथम हमने दी है, फॉर आई इज इक्वल टू ए टू बी, फॉर जे इज इक्वल टू ए टू बी माइनस वन माइनस वन। क्यों? हम ये नहीं मान रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट हमारा सॉर्टेड है। जैसे एग्जाम्पल में 8 हमारा सॉर्टेड था, लेकिन मान लो वहाँ पे 3 होता तो उसको लास्ट पास पे भी करना पड़ता। नेक्स्ट है, इसलिए हमने वहाँ पे बी माइनस वन माइनस वन लिया। अब नेक्स्ट दिया, अगर जे प्लस वन की वैल्यू, जे प्लस वन की वैल्यू बड़ी है जे से, तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो ए आर जे में कौन सी चली जाएगी? 10 की वैल्यू चली जाएगी। जे प्लस वन में किसकी वैल्यू चली जाएगी? जे की वैल्यू चली जाएगी। और 10 पे किसकी वैल्यू आ जाएगी? जे प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से पूरा प्रोग्राम स्वैप होगा, और जब लास्ट एलिमेंट, जो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, तो हमारे पास एक सॉर्टेड एलिमेंट चल जाएगा। एक प्रोग्राम भी दिया हुआ, उसके ऊपर हमने बनाया हुआ बबल सॉर्ट के ऊपर, आप इसको देखिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक एग्जामिनेशन में हम आप बैठे हैं, इन्विजिलेटर कॉपी कलेक्ट कर रहा है, तो उसने पहले रेंडमली कॉपी ले ली, सारी चीज़ कॉपी उसने रेंडमली कलेक्ट कर ली। अब वो मर्ज कर रहा है एक दूसरे को, सबसे पहले क्या करेगा? सपोज नियरेस्ट दो एलिमेंट्स को उसने लगाए, निकाले, सपोज रोल नंबर 4 को निकाला, रोल नंबर 13 को निकाला, तो ये अरेंज हो गए 4 और 13, तो उसने 4 और 13 लगा दी। अब जो नेक्स्ट रोल नंबर आ रहा है वो 15 आ रहा है, तो भाई वो 13 से बड़ा है तो वो 13 के नीचे जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है रोल नंबर 2, तो रोल नंबर 2 15 से भी छोटा है, 13 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। इस तरह से उसने फर्स्ट और सेकंड को किया, फिर थर्ड और फोर्थ को किया, तो वो क्या कर रहा है? वो टेक फर्स्ट टू शीट्स, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर, स्वैपिंग देम इट नीडेड। पहली दोनों शीट लेता है, उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाता, अगर स्वैप करने की जरूरत होती है तो स्वैप करता, अदरवाइज रहन देता। देन टेक द थर्ड शीट एंड पुट इन द करेक्ट पोजिशन ऑफ द प्रीवियसली अरेंज शीट। पहले दोनों जो उसने शीट्स ऑर्डर में लगाई थी, तीसरी शीट जब वो लेता है तो वो फिर करेक्ट पोजिशन में उसको लगाता है, जिससे कि वो अरेंज हो जाए। देन टेक द फोर्थ शीट एंड डू द सेम एंड सो ऑन। He will repeat until the answer sheets are arranged in desired order. जब तक करेगा, जब तक answer sheets arrange नहीं हो जाए। एक हमने example लिया है 12, 11, 13, 5, 6, yes elements हैं। सबसे पहले I is equal to 1 चलता है, तो I is equal to 1 तो second element of the array to fourth element, last element of the array, second से start करेगा और last element of the array तक जाएगा। Next है I is equal to 1, since 11 is smaller than 12, 12 और 11 क्या होंगे? आपस में स्वैप हो जाएंगे, 11, 12, 13, 5, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू 2, 13 और 12 चेक होगा, 13 और 12 कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आई इज इक्वल टू 3, 5 मूव करेगा 13 से,
13 से भाई छोटा है तो 5 13 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, नेक्स्ट फिर 5 चेक होगा 12 से, फिर 5 चेक होगा 11 से, तो जो पोजीशन इस पास के बाद बनेगी वो 5 11 12 13 6 बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आई इज इक्वल टू 4, 6 जो होता है वो 13 से चेक होगा, 12 से चेक होगा, 11 से चेक होगा, 5 से चेक होगा, इस हिसाब से जो 6 हो जाएगा वो 5 6 11 12 13 इस हिसाब से वो अरेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि बबल सॉर्ट में पहले पास में पहली वैल्यू पूरे रेंज पे चेक हो रही थी, एडजेसेंट एलिमेंट्स को वो चेक कर रहा था, लेकिन इंसर्शन शॉट में ऐसा नहीं। इंसर्शन शॉट में पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, फिर उसके बाद दो एलिमेंट्स, फिर उसके बाद दो एलिमेंट, वो कंपेयर करता चला जाता है, और ये हर पास में हो रहा, जबकि बबल शॉट में एक पास में एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपैरिजन हो रहा था, लेकिन इंसर्शन शॉट में हर पास में चेंज होती है वैल्यू। एक एल्गोरिथम भी छोटा सा बनाया हुआ है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n पूरा चलेगा, ए आई की जो वैल्यू होगी, जो मतलब उसकी की पास होगी, मतलब सपोज ए वन में वैल्यू होगी, वो की वैल्यू हो जाएगी, और जे इज इक्वल टू आई माइनस वन होगा। जब तक जे जीरो नहीं हो जाता और ए आई के पास की वैल्यू बड़ी है, तब तक स्वैप होता चला जाएगा, मतलब ए जे की वैल्यू किस में आ जाएगी, जे प्लस वन में चली जाएगी, जे इज इक्वल टू जे माइनस वन, वैल्यू घट जाएगा एक से, और की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ए जे प्लस वन हो जाएगी। प्रोग्राम देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताइए।